सो हेलो एंड वेलकम आवर डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का क्लास 12th की मैथमेटिक्स में स्वागत है। जैसा कि अगर हम रिमेम्बर करें तो हम लोग प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। वी हैव टू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रीड, वी हैव टू ऑब्जर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, सो पुट योर हेडिंग टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इन विच वी विल स्टडी फर्स्टली अबाउट नल रिलेशन। पुट योर हेडिंग, आप लोग सभी अपना हेडिंग डाल लीजिए क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नल रिलेशन। नल रिलेशन, ओके। अब इसको हम लोग, ये जो नल है इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं वॉइड रिलेशन, या एक नाम से और जानते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। नाउ व्हाट इज नल रिलेशन। नल, व्हाट इज नल रिलेशन। सो अ रिलेशन इन विच, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लिख दे रहे हैं वैसे, अ रिलेशन इन विच देयर इज नो ऑर्डर पेयर, नो ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड नल रिलेशन, इज कॉल्ड नल रिलेशन। अ रिलेशन इन विच देयर इज नो ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड नल रिलेशन। मीन्स आप डिफिनेशन ने मेरी एक बात को ध्यान सुनिए, जिसमें आप एक भी एलिमेंट ही मत लिख पाओ, आप एक भी एलिमेंट ना लिख पाओ, वो रिलेशन क्या कहलाएगा। एक रिलेशन दिया है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए, अगर उस रिलेशन की कंडीशन को पूरा करता हुआ कोई भी ऑर्डर पेयर दिख जाए तो वो नल रिलेशन नहीं है, और एक भी ऑर्डर पेयर आप अगर ना खोज पाए तो वो क्या कहलाएगा, नल रिलेशन। मीन्स अगर हम समझें दैट इज आर इक्वल टू, जब फाई आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा, नल रिलेशन होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब ए का सेट, कोई सेट ए है ठीक है, और कोई आर आर रिलेशन दे दिया है, ये आर इस सेट ए पर नल रिलेशन कब होगा, जब ए क्रॉस ए निकालो और इसकी कंडीशन को पूरा करता हुआ कोई भी ऑर्डर पेयर ना मिले, तो हम कहेंगे कि जो आर है ये नल रिलेशन है। ओके, मतलब कि ए के किसी भी एलिमेंट से, ए स्वयं का कोई भी एलिमेंट रिलेटिव नहीं है, देन वी विल कॉल आर इज नल रिलेशन। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल समझते हैं तो कुछ अच्छी तरीके से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब क्या ले हम लोग, जैसे एग्जांपल ले रहे हम लोग, ए इज इक्वल टू, वी हैव अ सेट ए 1 2 3 4 and also we have R. R is equal to AB, means R में ही, R में किस तरीके के element हैं, order pair wise element हैं, okay? AB such that difference of A minus B is equal to 10, where A belongs to, AB कुछ भी, दोनों A से ही belong कर रहे हैं, okay? ओके, सो लेट अस टेक, अब हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए, हमने क्या बताया था कि जब कोई आर दिया है, ये आर जो है ये किसी पे रिलेशन है किसी सेट पे, तो कैसे प्रूव करेंगे, जो गिवन सेट होता है उसका हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, अब भी जिसको नहीं आया होगा दो बार ए लिख लो आराम से, सिंपलिसिटी के लिए, वैसे प्रैक्टिस हो गई होगी अब तो, 1 2 3 4 सिमिलरली वंस अगेन ए 1 2
थ्री फोर। हाँ अब देखो, सबसे पहले वन को पकड़ेंगे, सभी के साथ लिख डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सभी के साथ पेयर बना लीजिए, हो जाएगा वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर। ओके नाउ अब टू को पकड़िए और सबके साथ पेयर बना डालिए, क्या हो जाएगा, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर। ऐसे ही सबका पेयर बना डालिए, क्या हो जाएगा, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर। सिमिलरली फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर। ओके ये हो गया हमारा ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो रिलेशन दिया है, ये जो रिलेशन दिया है, क्या इसमें कोई एलिमेंट आप लिख सकते हैं? मान लीजिए ये जो रिलेशन है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिखो आर, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ जो जो एलिमेंट ए क्रॉस ए में होगा वो आर में आ जाएगा। थोड़ा देखते हैं, ए बी मतलब कि जो पहले स्थान पे है वो ए है, जो दूसरे स्थान पे है वो बी है, ऐसे सब पेयर में है, इसी प्रकार सब पेयर में है, यानी कि ए और बी दोनों का डिफरेंस जब 10 आ जाएगा तो वही वाला एलिमेंट केवल आर में लिखा जाएगा। देखते हैं, वन माइनस वन जीरो आएगा, वन माइनस टू माइनस वन आएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू आएगा, वन माइनस फोर माइनस थ्री आएगा। तो इसमें से अब लास्ट भी देख लीजिए, फोर माइनस फोर जीरो आएगा ना, मतलब कि आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी पेयर वाइज एलिमेंट ले लेंगे, किसी का भी डिफरेंस आपस में 10 नहीं होगा, मतलब कि आर में एक भी एलिमेंट नहीं लिख पा रहे हैं। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, ये भी लिखते हैं ना, फाइव, मतलब कि हमने क्या कहा, ए रिलेशन इन विच देर इज नो ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड नल रिलेशन। सो ये जो आर है ये कौन सा रिलेशन होगा, नल रिलेशन होगा। एक एग्जांपल, नाउ वी विल सी सेकंड रिलेशन, यानी कि सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन, ओके नाउ वी विल सी यूनिवर्सल रिलेशन। आर असेट आर, एकदम ध्यान से इस डेफिनेशन को देखिएगा, असेट आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए, कब कोई सेट आर है ये किसी दूसरे सेट ए पर, किसी दूसरे सेट ए पर यूनिवर्सल रिलेशन कब कहा जाएगा, आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके मतलब कि ए कोई सेट दिया रहेगा, जब ए के सभी एलिमेंट इसी ए के सभी एलिमेंट से संबंधित रहेंगे तो हम कहेंगे आर जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। इसको हम लोग एग्जांपल की मदद समझते हैं, फिर और भी बातें हम यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, वेरी बेस्ट एग्जांपल, एज वी हैव ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, ओके एंड ऑल्सो वी हैव गिवेन अ सेट आर ए बी, मीन्स देर इज all the element are in pair form, okay? Now AB, B minus A is integer. मतलब R में केवल वही order pair होंगे जिनका difference हमेशा एक integer आएगा, केवल और केवल वही order pair होंगे। तो क्या कह रहा है, R is called universal relation on a set A if each element of set A is related to each element of set A. Okay? चलिए देखते हैं। अब
कोई भी रिलेशन ए पर होगा तो वो हमेशा हमेशा किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका, मतलब कि ए रिलेटेड है ए से, कहने का मतलब है कि जैसे ए को, ए का पहला एलिमेंट वन पकड़ लो ना, वन पकड़ लो, तो वन वन से भी रिलेटेड होना चाहिए, वन टू से भी रिलेटेड होना चाहिए, वन थ्री से भी रिलेटेड होना चाहिए। फिर टू को पकड़ो तो टू भी इन सभी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, टू एक बार वन से भी रिलेटेड हो, टू एक बार टू से भी रिलेटेड हो, और टू एक बार थ्री से भी रिलेटेड हो। फिर थ्री को पकड़ो तो थ्री एक बार वन से भी रिलेटेड हो, थ्री एक बार टू से भी रिलेटेड हो, थ्री एक बार थ्री से भी रिलेटेड हो। और कैसा रिलेशन हो, यही रिलेशन हो कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। आइए देखते हैं कि कोई ऐसा पेयर है जिनका डिफरेंस जो है वो इंटीजर आता है। तो आर किस पर, आर सेट ए पर रिलेशन है, तो इसके लिए हमें सबसे पहली कंडीशन, हमेशा हमेशा आप जान रहे हो आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये एकदम पहली कंडीशन आप जान रहे हो। तो कोई भी रिलेशन दिखाना है, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ए क्रॉस ए, देखते हैं ये क्या आता है, क्या जाएगा। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, फिर भी जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है वो लोग दो बार लिख लिया करो, अपने समझ लिख लिए, क्या हो जाएगा, वन टू थ्री अगेन, वन टू थ्री। अल्टीमेटली देखिए इसका मतलब यही है, ए के सभी एलिमेंट ए से संबंधित हैं, ओके, ए के सभी एलिमेंट ए से रिलेटेड हैं, यही कहना चाह रहा है। और इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। आइए देख लेते हैं, मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं और सभी के साथ पेयर बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन वन, वन टू, वन थ्री, ओके। नाउ सेकेंड एलिमेंट, टू वन, टू टू, टू थ्री। नाउ थर्ड एलिमेंट, थ्री वन, थ्री टू एंड थ्री थ्री, ओके। अब इस आर में वही वही एलिमेंट हैं जिनमें दोनों का, दोनों जो पेयर हैं उनमें दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होगा, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है ये ए कहलाएगा, जो सेकंड वाला बी कहलाएगा, और सब में यही बात हाल है, पहला वाला ए दूसरा वाला बी कहलाएगा। मतलब ए और बी का डिफरेंस जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। देखते हैं आर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वही एलिमेंट आएंगे जो इसमें मौजूद होंगे ना, जो इसमें मौजूद होंगे और इस कंडीशन को फॉलो करते रहेंगे। चलिए ये वाला आएगा आर में, देखते हैं वन और वन का जो डिफरेंस है। देखो ए संबंधित है ए से किस प्रकार से, ये जो पेयर लिखा है वन वन, इसका कहने का ही मतलब है वन इज रिलेटेड टू वन, यानी कि ये पहला एलिमेंट पहले सेट से था, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तो ए जो है रिलेटेड है ए से ही, यही हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब क्या हो जाएगा, मतलब जितने भी पेयर यहां पे बने हैं अगर सब के सब ये वाले रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे तो हम कह देंगे कि आर यूनिवर्सल रिलेशन है, नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो आर यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। देखते हैं वन वन, इनका डिफरेंस क्या आएगा, वन माइनस वन इसको जीरो आएगा ना, और जीरो एक इंटीजर होता है, यानी कि ये जो पहला पेयर है ये इस वाले में, इस आर वाले सेट में जरूर मौजूद होगा। तो वन वन, वन माइनस टू, वन माइनस टू माइनस वन आता है ना, तो ये भी इसका भी डिफरेंस इंटीजर है। तो सभी जितने पेयर है ना सबको, और सबका डिफरेंस आप देखेंगे तो सबका डिफरेंस इंटीजर आएगा, इनका भी आएगा, किसका, वन थ्री का आएगा, टू वन का भी आएगा, ओके, टू टू का भी आएगा, टू थ्री का भी आएगा, थ्री वन का भी आएगा, ओके, थ्री टू का भी आएगा, और अगर आगे बढ़े तो थ्री थ्री का भी आएगा। मतलब ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सभी ये आर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब एक थोड़ा बात देखिएगा, क्या ए क्रॉस ए आर के बराबर है, बिल्कुल, ए क्रॉस ए में वही एलिमेंट हैं जो पूरे के पूरे आर में हैं, और आर में वही एलिमेंट हैं जो पूरे के पूरे ए क्रॉस ए में हैं। मतलब हमको क्या मिल रहा है, मतलब हमको मिल रहा है कि ये दोनों जो हैं बराबर हैं, क्या, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो बस आप एक कंडीशन को यही याद कर लीजिए, इसी कंडीशन को आप याद कर लीजिए, जब कोई सेट ए दिया रहेगा और आर दिया रहेगा और आर को ए पर पूछ लेगा यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, बस
कार्टेशियन प्रोडक्ट और R, अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आप कह देंगे कि R यूनिवर्सल रिलेशन है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो आप कहेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। अगर एक भी पेयर मान लो 3-1 ही इसमें R में मौजूद ना रहा होता तो हम कह देते कि R जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, रिलेशन है लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, क्योंकि A क्रॉस A और R ये दोनों इक्वल आ गए हैं सो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है? R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट A इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट A। देखिए सब रिलेटेड है। ओके, सो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, आई एम क्लीन कर ले रहे हैं इसको और नेक्स्ट देखते हैं। Now we will study third relation. What? Third relation, that is diagonal relation. Diagonal relation. Okay. आपकी बुक में शायद हो सकता हो आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से दिया हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डायगोनल रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे फिर इसको अच्छे से समझेंगे। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, वो जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव, सिमेट्री ये सब है आपको एक विशेष ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। इसलिए आप लोग जो भी हमारा ये रिलेशन फंक्शन या जो भी क्लास 12th का मैथमेटिक्स का वीडियो देख रहे हैं सब शुरू से अंत तक देखिए, और मेरा विश्वास है कि आप एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग एकदम बैठ जाएगा। ओके, देखिए डायगोनल रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इसके डिफिनेशन का स्टेटमेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं, लेट एक्स बी अ सेट, बी अ सेट, देन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स, यक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, इसलिए ये लिख दिए कि बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स। ओके, such that x belongs to x, भाई एलिमेंट तो सेट से बिलोंग ही करेगा। ओके, यही बात लिखी हुई है। इज अ डायगोनल, इज अ रिलेशन ऑन x, इज अ रिलेशन ऑन x विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन ऑन x, विच इज कॉल्ड, अभी समझा रहे हैं आप देखिए ध्यान से, डायगोनल रिलेशन ऑन यक्स, रिलेशन ऑन यक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। ओके, लेट एक्स बी अ सेट, देन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एक्स कैपिटल एक्स क्रॉस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ रिलेशन ऑन यक्स विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन ऑन यक्स एंड इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। देखिए अब इसका कहने का मतलब क्या है और एक बात बता दे रहे हैं, ये डायगोनल रिलेशन जो आपको पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया रोल है इसका, बहुत बढ़िया रोल है डायगोनल रिलेशन का। आप फट से समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसलिए एकदम इसको ध्यान से देखिएगा, केयरफुली देखिएगा। लेट एक्स बी अ सेट, मान लीजिए ये बोल रहा है कि यक्स कोई सेट है, कैपिटल एक्स है, ये कोई सेट है, और इसमें देखिए एक्स बिलोंग्स टू एक्स मतलब इसमें जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं इसमें, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने एक्स मान लिया। तो इस अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस एक्स निकाल लो तो इस एक्स और एक्स लिखने का क्या मतलब हुआ, एक्स और एक्स लिखने का मतलब जो एलिमेंट है वो हमेशा खुद से रिलेटेड है, यानी कि खुद का खुद से संबंध है। तो ऐसा सेट समझो, मतलब डायगोनल रिलेशन ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर केवल और केवल वही एलिमेंट होते हैं जिनका खुद का खुद से संबंध होता है। x x लिखने का मतलब क्या हुआ, इसमें वही वही कार्टेशियन प्रोडक्ट से वही वही एलिमेंट उठा लो जिनका खुद का खुद से संबंध है तो वही क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल रिलेशन कहलाएगा। यानी कि डायगोनल रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जिसमें केवल और केवल वही एलिमेंट होते हैं जिनका खुद का
खुद से संबंध होता है। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब बस एग्जांपल देखिए, आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये डायगोनल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल हम कई एग्जांपल लिख दे रहे हैं, कुछ हम समझा देंगे, कुछ आपके लिए होगा। ओके, जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट जैसे हमने लिया कैपिटल एक्स, एक सेट ऐसे दिया हुआ है ए बी सी। ओके, इसी प्रकार वाई हमें दिया हुआ है, सेकंड वाई दिया हुआ है क्या ए बी सी डी। ओके, इसी प्रकार थर्ड हमें मान लीजिए दिया हुआ है ए, कोई सेट है वो दिया हुआ है 1 2 3 4। ओके, इसी प्रकार फोर्थ हमें दिया हुआ है बी, बी क्या दिया है 6 7 8। तो इन पर डायगोनल रिलेशन फाइंड करने के लिए के कह दिया है कि ये जो गिवन सेट है इन पर डायगोनल रिलेशन फाइंड कीजिए। तो अब ऐसा नहीं है कि सबके लिए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालते रह जाओ, फिर उसमें से चूज करो कि देखें कहां 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 खुद का खुद से संबंध है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस ऐसे ऐसे कर लिया करो, डायगोनल रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, और किस पर डिनोट कर रहे हैं एक्स पर, तो क्या हो जाएगा हम लोग डेल्टा एक्स फाइंड कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जिनका खुद का खुद से संबंध होगा ना, इसका बहुत बढ़िया रोल है, बता रहे रिफ्लेक्टिव, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला एलिमेंट क्या है ए, इसमें डायगोनल रिलेशन में केवल और केवल वही एलिमेंट होंगे जिनका खुद का खुद से संबंध होगा, यानी कि अगर पहला एलिमेंट ए है तो इसका इसी से संबंध होना चाहिए, फिर दूसरा एलिमेंट बी है यानी कि इसका इसी से संबंध होना चाहिए, फिर तीसरा एलिमेंट सी है यानी कि इसका इसी से संबंध होना चाहिए। तो यही जो डेल्टा एक्स है यही कहलाएगा डायगोनल रिलेशन ऑन सेट एक्स, यही क्या कहलाएगा डायगोनल रिलेशन ऑन सेट एक्स। अब ये इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूर होगा ना, तो वो रिलेशन के लिए प्रूफ करते थे हम लोग डायगोनल रिलेशन निकाल रहे हैं। तो बस एक चीज याद रखो, डायगोनल रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जिसमें केवल और केवल वही एलिमेंट होते हैं जिनका खुद का खुद से संबंध होता है। आइए इसी प्रकार सेकंड देख लेते हैं, डेल्टा वाई फाइंड कर लेते हैं, बता रहे हैं डायगोनल रिलेशन का रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत बढ़िया रोल है, इसलिए अच्छे से समझिएगा, खुद का खुद से संबंध काम हो गया। चलिए, मतलब ए का ए से संबंध, इसके लिए डायगोनल रिलेशन क्या होगा ए ए, मतलब बी का बी से ही संबंध, क्या हो जाएगा बी बी, सी का सी से संबंध और डी का डी डी से संबंध, क्या हो जाएगा यही हो जाएगा डायगोनल रिलेशन। अब ये सेट ए है, इस पे डायगोनल रिलेशन क्या होगा यानी कि डेल्टा ए हमें निकालना है। ओके, आइए देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि इसमें जितने एलिमेंट है इनका खुद का खुद से संबंध जो सेट बनेगा वही क्या होगा डायगोनल रिलेशन। आइए 1 का 1 से ही संबंध, 2 का 2 से ही संबंध, 3 का 3 से ही संबंध, 4 का 4 से ही संबंध। अब ये वाला आपके लिए छोड़ रहे हैं बी, सेट बी, सेट बी के लिए डायगोनल रिलेशन निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, छोटी छोटी, ताकि सब लोग पूरी अंत तक देखें, बड़ा वीडियो हो जाता है लोग बोर होने लगते हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अभी तो इंटर वीडियो चल रहा है 1.1 के लिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टाइप्स ऑफ रिलेशन लेके आएंगे, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिलेशन तो और भी होते हैं, एंटीसिमेट्रिक होते हैं, मतलब बहुत भी रिलेशन तो और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दीजिए इजाजत, बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।